तो राजधानी जयपुर के जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिस बूथ पर हम खड़े, वहां करीब 40% जो है मतदान इस बूथ पर हो चुका है। और अभी जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और खास एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब्दुल अजीज जो कि हम कह सकते हैं दिव्यांग है और वो भी यहाँ वोट करने पहुंचे। और अब्दुल अजीज से भी हम बात करने का प्रयास। अब्दुल भाई, कब से वोट करते आ रहे हैं और दिव्यांगों के लिए तो सरकार ने घर से मतदान करने के लिए कहा हुआ है। हाँ कहा हुआ, लेकिन मैंने वो घर पे करने का मर्जी मतलब मन नहीं भरा मेरा। मैंने कि वहीं जाके बूथ पे जाके करेंगे, उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। वोटिंग को लेकर आपका जुनून आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि वोटिंग का एक आदमी को होता है कि मेरे अपने से एक वोट से किसी सरकार बनेगी तो उससे उसका भविष्य बनेगा और आने वाले देश में बढ़िया सरकार आएगी और बढ़िया काम करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं आपके इलाके के? स्थानीय मुद्दे यही है, गरीबी, बेरोजगारी और मतलब रोजगार मिले, गरीबों को दवाई वगैरह मिले। अच्छा, गरीबों को किसी बात की दुख तकलीफ नहीं हो। मतलब आपको कोई पेंशन वगैरह या कोई भत्ता वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। मिलता है सरकार? हाँ मिलता है। केंद्र सरकार की ओर से मिलता है? हाँ, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से दोनों मिलता है। तो क्या चाहते हो अब, जब सरकार नहीं बने, जो भी सरकार बनती है तो क्या भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या कुछ आपकी उम्मीद है? हाँ, बढ़ोतरी होनी चाहिए। मतलब आने वाले टाइम में मतलब कि जो आदमी पेंशन मिलती है उससे आदमी का एक गुजारा महीने भर का तो होता नहीं है, तो मतलब चाहते हैं कि वो पेंशन और बढ़े और विकलांगों को रोजगार मिले, गरीबों को रोजगार मिले। दोनों पैरों से आप दिव्यांग हैं और यहाँ पहुँचे तो हर बार ऐसे ही आते हैं इसी जोश के साथ? हाँ, ऐसे ही आते हैं। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं जब वोट लोग कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं? भाई लोगों को चाहिए कि भाई अपना समय निकाल करके और सरकार के लिए थोड़ा सा समय दें और वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें।